अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। मैं आपसे पांच ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगी हूं, जिन्हें अगर स्टोर करने के बाद दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी सेहत के हवाले से ख़तरनाक नतीजे से दोचार हो सकते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप रात का बचा हुआ खाना अगले दिन खाते हैं? क्या आप टाइम बचाने के लिए चीज़ें ज़्यादा बनाकर स्टोर कर लेते हैं? कुछ चीज़ों को स्टोर करने के बाद दोबारा गर्म करने से क्या नुकसान होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर से और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। एक बहुत अहम बात यह है कि हमेशा आप स्मेल करने से अंदाजा नहीं लगा सकते कि खाना खराब है या नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत जरासीम पैदा होने से स्मेल ना भी आए फिर भी आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन खाने वाली अशिया में पकने के बाद जरासीम जल्दी बनने लग जाते हैं। नंबर वन, एग। एग बनाने के बाद दोबारा गर्म मत करें, वो बॉयल्ड एग हो, फ्राई एग हो या ऑमलेट। अंडे में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जब दोबारा गर्म किया जाए तो ये उल्टा नुकसान का बायस बन जाता है। इसकी वजह यह है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, और जब हम एग को दोबारा गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऐसे केमिकल में चेंज हो जाती है जो हमारी स्किन और आंखों में एलर्जी का बायस बनता है। इसके अलावा ये केमिकल हमें सांस की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, जैसा कि अस्थमा या कफ वगैरह। नंबर टू, राइस। राइस हमारे घरों में बहुत ज्यादा खाई जाने वाली फूड है। आपने नोटिस किया होगा कि राइस दूसरी फूड की निस्बत जल्दी खराब हो जाते हैं। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के मुताबिक अगर राइस को दोबारा गर्म किया जाए तो ये फूड पॉइजनिंग का बायस बनते हैं। इसकी वजह यह है कि चावलों में एक बैक्टीरिया बेसिलस सीरियस के अंडे मौजूद होते हैं, जो पकने के दौरान बहुत ज्यादा हीट पर भी नहीं मरते। चावल पकने के बाद उनमें नमी आ जाती है और जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं तो ये अंडे बैक्टीरिया में बदलने लगते हैं। इसलिए अगर ऐसे चावल दोबारा गर्म करके खाए जाएं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। नंबर थ्री, ऑयल। हम में से अक्सर लोग ऑयल में चीजें फ्राई करने के बाद उसे स्टोर कर देते हैं, और जब दोबारा कोई चीज फ्राई करनी होती है तो उसी स्टोर्ड ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत है। ऑयल अगर एक बार से ज्यादा गर्म किया जाए तो इसमें ट्रांस फैट, फ्री रेडिकल्स और कुछ खतरनाक केमिकल्स बन जाते हैं। ट्रांस फैट हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा देती है, जिससे दिल की बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। दोबारा गर्म करने से ऑयल में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो खुद को हमारे हेल्दी सेल्स के साथ जोड़ लेते हैं और उन्हें कैंसर सेल्स में तब्दील कर देते हैं। ऑयल को बार बार गर्म करने से इसमें HNE एक केमिकल बन जाता है, जो हमारे सेल्स में होने वाले अवामल को बुरी तरह मुतासिर करता है। नंबर फोर, पोटैटो। पोटैटो भी एक ऐसी सब्जी है जिसे दोबारा गर्म करके खाना ठीक नहीं होता। आलू पकने के बाद उसमें नमी आ जाती है, जिससे एक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म पैदा हो जाता है। WHO के मुताबिक ये बैक्टीरिया माइक्रोवेव करने के बाद भी खत्म नहीं होता। ये बैक्टीरिया एक खतरनाक केमिकल बनाता है जो असाबी रगों को ब्लॉक करके हमें पट्ठों के फॉरेज में मुब्तला कर सकता है। नंबर फाइव, स्पिनच। पालक और दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिनमें नाइट्रेट होता है, अगर पकने के बाद दोबारा गर्म की जाए तो ये नाइट्रेट जहरीले केमिकल में बदल जाता है, जो कैंसर का बायस बन सकता है। पालक में मौजूद आयरन भी दोबारा गर्म करने पर फ्री रेडिकल्स में बदल जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो सकती है। फूड रीहीट के नुकसान से बचने के लिए बहुत आसान सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है कि खाना उतना बनाएं जितना एक दफा में खा लें, ज्यादा हो तो फ्रिज में रख दें। USDA के मुताबिक अगर खाना पकने के बाद आमतौर पर 2 घंटे और गर्मियों में 1 घंटे के अंदर 5 डिग्री दर्जा हरारत से ज्यादा पर पड़ा रहे तो इसमें बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं। याद रखें कि हमारे रेफ्रिजरेटर के निचले हिस्से का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर टू, खाने को एक दिन से ज्यादा रेफ्रिजरेटर में स्टोर ना करें और किसी जरूरतमंद को दे दें। नंबर थ्री, फ्रीजर में भी लंबे अरसे तक चीजों को स्टोर करके अपनी और अपनी फैमिली की सेहत को कम्प्रोमाइज ना करें। उम्मीद है आप अपनी और अपनी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए इन हालात को अपनाएंगे। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।